नमस्कार, ट्रेंड फ्रीक में आपका स्वागत है। हेलो व्यूअर्स, रामायण में लंका पर चढ़ाई करने के लिए भगवान राम की सेना द्वारा समुद्र पर राम सेतु बनाने की कथा बहुत दिलचस्प है। भारत और श्रीलंका के बीच आज तो ऐसा कोई पुल नहीं, लेकिन मैप पर जो एक महीन सी रेखा दोनों देशों को जोड़ती दिखती है, माना जाता है कि यही राम सेतु के अवशेष है। भारतीय जनमानस ने ये राम सेतु के एक फैसिनेशन रहा है और इसके साथ धार्मिक आस्था भी जुड़ी है। राम सेतु एक बड़ी बहस का भी हिस्सा रहा है, जहां तथ्य के आधार पर एक पक्ष राम सेतु को प्राकृतिक निर्माण मानता है, तो वहीं दूसरा पक्ष इसे श्री राम का बनाया हुआ मानता है। अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु इसी माइथोलॉजिकल पुल को केंद्र में रखकर बुनी गई है। राम सेतु के ट्रेलर ने जनता में अच्छा माहौल बनाया था और अब फिल्म भी थिएटर्स में पहुंच चुकी है। क्या है कहानी? राम सेतु की कहानी अफगानिस्तान से शुरू होती है, जहां तालिबान के हमले में बामियान के बुद्ध की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होती है। इंडिया के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर आर्यन अपनी टीम के साथ इस ऐतिहासिक साइट को रिस्टोर करने में पहुंचते हैं। इस पूरे सीक्वेंस में फिल्म में बैकग्राउंड सेट करती है कि आर्यन नास्तिक है, धर्म में यकीन नहीं करता, लेकिन संस्कृति के अवशेषों से उसे प्रेम है, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट है और पूरी तरह से तथ्यों को मानता है। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है साउथ की आइकॉनिक एक्टर नासिर की, जो फिल्म के बिजनेसमैन इंद्रजीत के रोल में है। उनकी कंपनी पुष्पक शिपिंग ने भारत सरकार के सेतु समुद्रक प्रोजेक्ट का प्रपोजल दिया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में राम सेतु को नुकसान होगा और इसीलिए इसका विरोध हो रहा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सरकार डॉक्टर आर्यन की रिपोर्ट के सहारे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए कहती है। पहले से मौजूद फैक्ट्स और स्टडी के आधार पर डॉक्टर आर्यन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि राम सेतु एक प्राकृतिक निर्माण है। इस रिपोर्ट से जनता की धार्मिक भावना को भी ठेस पहुंचती है, जिसका असर आर्यन का परिवार भी झेलता है और उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। दूसरी तरफ इंद्रजीत चाहता है कि उसका प्रोजेक्ट दोबारा पंगे में ना फंसे और पूरी वैज्ञानिक रिपोर्ट के प्रूव किया जाए कि राम सेतु प्राकृतिक निर्माण है और मानव निर्मित नहीं। इसीलिए वह सस्पेंड हो चुके डॉक्टर आर्यन को सारी सुविधाएं देकर राम सेतु का सच खोजने भेज देते हैं। लेकिन अगर राम सेतु का सच इंद्रजीत की उम्मीद से अलग निकलता है तो क्या होगा? नास्तिक डॉक्टर आर्यन क्या फैक्ट्स और सबूत मिलने पर राम सेतु का अस्तित्व स्वीकार करेगा? इसका जवाब आपको राम सेतु देखकर ही मिलेगा और इसीलिए आपको फिल्म देखनी चाहिए। बता दें कि फिल्म के रिव्यू की बात करें तो जो लोग आज फिल्म देखकर निकले हैं, उन्हें फिल्म बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है और फिल्म की ओपनिंग भी काफी बम्पर रही है। फिल्म ने पहले दिन काफी अच्छी ओपनिंग की है, काफी अच्छी कमाई भी की है और राम सेतु को लेकर बज़ भी बना हुआ है। ऐसे में कहा जा सकता है कि लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए यह फिल्म आने वाले समय में बम्पर कमाई करेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारे आने वाले और वीडियोस की भी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।